मॉर्निंग प्रिया सनसे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल तो ब्लॉग बनाई नहीं, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, आज ब्लॉग बहुत मस्त मस्त जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ना हम नाश्ता पानी बना दिया और हस्बैंड जी खा लिए और जा भी रहे हैं। तो बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि सारी तरफ से खिड़कियाँ से भी पानी आ रहा है। चलिए आपको पहले दिखाते हैं हस्बैंड भी हस्बैंड जी लगता है जा रहे हैं और बाबू हमारा जाएंगे ना तो बाबू हमारा बहुत तेज़ी से रोएगा। अभी अपने पापा के पीछे पीछे स्विमिंग कर रहा है तो हस्बैंड जी नाश्ता कर लिए। यहाँ चाय है, पराठा भी रखा है तो मैं गरम गरम बना दी हूँ, हस्बैंड जी खा लिए हैं। अब जिसको खाना रहेगा, जैसे बच्चे आएंगे स्कूल से तब बनाऊंगी। तो चलिए, आज सुबह सुबह हमारे साथ कितनी बड़ी घटना होगी आप लोग को पता है। बना रही थी टिफिन बनाते बनाते गैस चला गया, मतलब भुर्जी बन गई थी, पराठा बनाना था। और यहाँ पे चल दिए रेडी सेडी होके, और यहाँ देखिए वॉचमैन जी खड़े हैं। अब इनका रुआई देखिए, घर वाला छतरी नहीं लिए क्यों, ओपन खोल दिए। अकेले रहना है ना, 10 लोग को थोड़ी लेके जाना। हाँ रुक जाओ, चलो 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 चलो, पापा जा रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, पापा से पहले घुस रहा है। बारिश हो रहा है, डूब जाओगे, भागो भागो भागो, अंदर आओ। आज तो रोए भी ना मानेंगे नहीं इनको, अगर कोई जा रहा है नीचे तो बारिश में भी जाओ तो मतलब चल जाएंगे वो नीचे घूमने से। मतलब बोले पापा बाय, देखो पापा को बाय करके आना है। बारिश से डर नहीं लग रही है अब? बारिश तो गाइस यहाँ रोते रोते आ गए हैं अपने पापा को देखने, इनकी हालत देखिए। तो अभी पापा यहाँ से पकड़ेंगे इनकी ऑटो और उसके बाद बारिश देखिए, मुंबई की बारिश क्या मजा आ रहा है। एकदम तालाब देखो कैसे भर गया, अब कपड़े वपड़े सूखना। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे साथ, देखिए कितना अच्छा है, ये जो मैं फूल लगाई थी ना ये देखिए खिल भी गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक और है, एक दो ही, दो फूल है। ये कितना मस्त लग रहा है, ज़ूम करके फोटो खींचेंगे, नेस्ली में देखो कितना मस्त लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पानी के ऊपर, वो पिंक और ये अपने हाथों से मैंने इसको ना इस बीज को लगाया था। अरे सब तो भाई बहुत दिनों का, ये देखिए पानी क्या क्या जाम रहा है, पता नहीं कोई नया नया झाड़ आ रहा है। एक और फूल आया बाबू, रो दिया मेरा चाचू चाचू चाचू, पीछे से आवाज नहीं देने का। देखो पापा छतरी लिए, पापा छतरी लिए, देखो वो, देखो पापा छतरी लेके खड़े हैं, देखो वो, देखो बुला रहे हैं, देखो उधर 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 रोड पे, रोड पे जहाँ दीदी खड़ी रहती है, देखो वहाँ खड़े हैं। हाँ खड़े हैं ना, बाय बोलो पापा को, बाय पापा, देखो खड़े हैं ना, या देखो 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 देखो, बाय पापा, पापा अभी तो देखा, अब रोएगा देख क्या हुआ, हाँ क्या हुआ पापा, कहाँ गए पापा, गए ऑफिस अभी तक ऑटो पकड़े नहीं है पापा, देखो पापा खड़े हैं उनको देख रहे हैं, पापा खड़े हैं, देखो इधर पापा दिख रहे हैं, देखो इधर दिख रहे हैं, इधर पापा अंदर पापा, हाँ छतरी के अंदर पापा है पापा। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ये दोनों लोग अभी खिड़की में मजा ले रहे हैं बारिश का। यहाँ पे तीन मूर्तियाँ आ गई हैं पढ़ के, जैसे कि अभी जस्ट ये लोग आते हैं उसके बाद ये आते हैं, तो हम तीनों को लेके साथ में आ गए हम भी। चलिए अब इन लोग को खाना पीना निकाल देते हैं। तो आज के टिफिन में क्या खाई थी, आज सुबह सुबह गैस खत्म हो गया था, आधा खाना बन गया था, आधा रह गया था, पराठा रह गया था, तो आज खाई है ये इडली, ये इडली खाई है क्या, क्या खाई है क्यों, आज तो वो था ना मेहंदी वड़ा था ना, हमारे इधर इडली फ्राई खत्म हो गया, इडली नहीं पटेटो फ्राई था, पटेटो फ्राई।
फिर तो क्यों नहीं खाई, नहीं अच्छा लगता है। देखो अभी तो बोल रही पटेटो फ्राई खाई, झूठ बोल रही हूँ। अरे पटेटो मतलब इडली फ्राई पटेटो फ्राई। खाने की बात समझ में नहीं आएगा, ये कचरा क्यों कर रही हो? तो बाबू मेरा लेके गया था पराठा पनीर का, तो बाबू भी आधा खा के आया, आधा ये खा गई। तो चलिए दिखाते हैं, किचन में चलते हैं फटाफट, सबका खाना निकालते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल का कुकर मैंने खोल दिया है, अब मिक्स करती हूँ दाल फटाफट, पक गया, उसके बाद सबका खाना निकालती हूँ। रोटी चावल यहाँ पे बना हुआ है, छोटी वाली लड़की ने हमारी बहुत बदमाश, देखिए यहाँ रोटी सब्जी है, वो ना खाली रोटी सब्जी मांगती है खाने को। चलिए हम सबका खाना दे देते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए आधा काम हमारा शाम वाला हो गया है, जैसे कि दूध दूध लाना और बच्चे लोग को ट्यूशन वगैरह छोड़ना, और टाइम हो चुका 8। ट्यूशन छोड़ के आने को और दूध लेके आने को, मतलब तब तक मैं घर पे आती दूध लेके, तब तक फिर से लाने का समय हो जाता है। तो क्या बताए, 2 घंटा मेरा ऐसे ही बर्बाद जाता है, उतने में तो मैं चाहूँ तो खाना वाना सब बना दूँ, क्या करें, अभी पापा नहीं है इसके, तो ऐसे ही मेरा बर्बादी होगा समय। अभी दिया हुआ जला ली हूँ, चलिए दिखाते हैं। अभी देखिए गुब्बारा कितना बचा हुआ हमारे घर में, यहाँ पे ये लोग खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं। तो चलिए अभी हम लाने का समय हो गया, बाबू ऊपर मत जाना, ऊपर नहीं जाना, अभी चलते हैं सब्जी वब्जी बना लेते हैं। बाबू ऐसे लोग नाश्ता ट्यूशन करके आए और खा रहे हैं अभी नाश्ता, और मैं बना रही हूँ यहाँ सिर्फ सब्जी, और आज बना रही हूँ आलू मटर फ्लावर। यार ठीक से खाओ, चलते हैं। लल्ला पॉप, लल्ला पॉप याद आ गया है, आज कुछ खाए नहीं है ना आज, ये लो जाओ बैठ के खाओ दीदी का, जाओ तब दीदी को दे दो, चलो लल्ला पॉप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आज का सब्जी जो है ना इतनी महंगी हो गई है, 20-30 रुपया पाव है सब्जी, क्या बताएगा। हमारी सब्जी बन के हो गई है रेडी, सिर्फ स्लो आंच पे हम छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि आलू पक जाए, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको दिखाई देगी। क्या हाँ खा लो, बस इतने ही पानी डाल के, ताकि ये पक के फिर से सुस्त वैसे हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे देखिए भजिया नहीं खाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए इनका चॉकलेट बेकलेट ये सब चल रहा है, इनको नहीं खाना है, मैंने खरीद के दिया उसको। तो वैसे तो यहाँ पे खाना वाना बन गया है, चलिए इन लोग का पढ़ाई भी चली रहा है, देखते हैं कब तक ये लोग कर लेते हैं। अब ये लोग तो नाश्ता कर लिए हैं, तो खाना भी लेते ही खाएंगे। क्या खाए, चना खा लिया, अभी चना भिगाए तो एक खबर से लिया, उसको कुछ भी दिया, खा जाओ अच्छा है, खा जाओ अच्छा है, मम्मी चाहिए। सो गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में, वीडियो ऐड नहीं की थी इसलिए सोची सुबह सुबह ऐड भी कर दो और बता दी थी। तो आज हम लोग का है, आज हम लोग का है किचन हो गया है पैक, आज मैं पूरी सब्जी बना के दे रही हूँ नॉर्मली से। तो चलिए आप दिखाती हूँ, बैक कैमरे पर दिखाओ आज इन लोग को, देखिए कल की इन लोग की ऐसा नया टिफिन आ गया, क्योंकि इन लोग का मोटा मोटा टिफिन बोल रहे थे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा टिफिन आ गया, अब इन लोग को पैक रहेगा ऐसा, इन लोग को जाएगा पूरी। ये तुम्हारा है? नहीं। नैना का है? तुम्हारा लाली को नहीं, इतना नहीं मैं दो ही लूंगा। तो वैसे यहाँ पे देखिए लोग का टिफिन भर रही हूँ, जाओ अंदर, वो कीड़ा है क्या, वो देखो हाँ कोई कीड़ा ही है, जाओ जल्दी, नहीं चले चलेगी, हाँ चलो जाओ, कहाँ अकेले बैठ रही हो, अच्छा
चलो बाबा। तो गाइस ये लोग निकल गए, उसके बाद हम कर लेते हैं दरवाजा बंद। अब हम देंगे बाबू को दूध, उसके बाद हम भी थोड़ा आराम करें। तो हम बाबू को दूध दे देते हैं, उसके बाद बाबू सोया है, सोए सोए दूध पी लेगा तो एक घंटा और सो लेगा, उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। तो बच्चों की नींद अच्छे से पूरी हो जाती है ना, तो चिड़चिड़ा नहीं करते बच्चे, आराम से स्कूल में घर पे अच्छे से खेलते हैं। तो मेरा बाबू सोए सोए दूध पी लेता है, पता नहीं आप लोग के बच्चे पीते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइस हम आ गए बेडरूम में और दे देते हैं बाबू को दूध, बाबू सो जाएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। फिर की रात को वीडियो बस भी आ गई शायद, नहीं तो बस अभी नहीं आई बच्चों को, और बच्चे भाग गए, बच्चे इतना घाई घाई करते ना कि क्या बताएं। मम्मी जल्दी करो। अभी कुछ उन लोग का करना नहीं पड़ता, सिर्फ चोटी बनाना पड़ता है, बाकी सब लोग रेडी हो जाती हैं। उसके बाद चलिए बाबू का ही देखना रहता था, टिफिन बनाना रहता है, उन लोग का तो काम रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात को बाबू 2 बजे हमको सोने दिया, खुद भी 2 बजे सोता है, इसमें हस्बैंड जी 12:30 बजे आते हैं, वो कर देता है लेट सबको सोने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।